मलूक नागर दो सांसद जिन्होंने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा और इन दोनों आरोपियों को पकड़ा नहीं इनको इनकी पिटाई भी करी मैं हनुमान बेनीवाल साहब आपके पास आता हूं हनुमान बेनीवाल आपको मेरी आवाज मिल रही है बेनीवाल जी मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के सांसद है बेनीवाल साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बेनीवाल साहब आपको आपका पहले तो अभिनंदन है आपने आज बड़ा हिम्मत वाला काम किया है हिम्मती तो कहीं बनते हैं लेकिन आज हिम्मत आपने दिखाई और पकड़ा और उसकी अच्छे से सेवा पानी करी यानी कुटाई करी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो कर क्या रहे थे एग्जैक्टली क्या हो रहा था आप हमारे दर्शकों को बताइए सदन के अंदर लोकसभा में आज दोपहर एक बजे क्या हो रहा था हनुमान बेनीवाल अमित जी नमस्कार अमित जी काल चल रहा था जी और मेरा भी बोलने का नंबर था और मेरे से पहले बीजेपी के मुर्मू बोल रहे थे और मुर्मू जी को बैठने का इशारा करके राजनाथ अग्रवाल जी चेयर पे थे उन्होंने मेरी ओर इशारा किया तब मैंने देखा कि मुर्मू जी पीछे देख रहे हैं और पीछे देखते ही रह गए धड़ाम से आवाज आई और एक व्यक्ति नीचे गिरा मैंने मुड़के देखा एक व्यक्ति नीचे गिरा और दूसरा लटका हुआ था नीचे उतरने के लिए विजिटर गैलरी से और जो व्यक्ति गिरा था वो व्यक्ति उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो जंप करता हुआ बोर्ड ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति था जो आगे बढ़ रहा था इस अध्यक्ष की चेयर की तरफ रक्षा मंत्री जी बैठे थे कई मंत्री बैठे थे करीब सौ सवा सौ एम भी अंदर बैठे थे वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था मैं पीछे मुड़ा और मैं मैं पीछे की रो में गया और शायद आधे मिनट बाद उस व्यक्ति को मैंने दबोच लिया उसको नीचे पटक लिया और उसके बाद और एम हमारे साथी सांसद है ये सारे लोग आ गए थे और उसको उसकी दुनाई भी करी तब उसने उसको जब ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से जो कुछ लेके ले आया, ले आया था वो उसने उसका धुआं छोड़ा हुआ आप पढ़ सकते हैं मेड इन चाइना लगातार लगातार छोड़ रहा था दूसरा साथी लेकिन दुर्भाग्य देखिए तब तक सिक्योरिटी के लोग अंदर नहीं थे हम एमपी जूझ रहे थे सारे के सारे सांसद ही जूझ रहे थे और 13 दिसंबर 2001 को जिस तरह की घटना हुई पार्लियामेंट में पा अटैक हुआ आज ही का दिन चुना इन लोगों ने जब उसको पीट रहे थे तो वो कह रहा था हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ का रहने वाला भैया हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं लेकिन उनका मकसद क्या था वो काम बढ़ रहा था किधर जा रहा था ये तो वही बता एक दूसरा अमित जी इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि उनको दर्शक दीर्घा से नीचे धकेल रही थी एक औरत और एक आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे दो कूद गए दो दर्शक दीर्घा के अंदर थे उनका कोई कहीं बयान नहीं आ रहा है कह रहे हैं भाई दो जनों को बाहर से पकड़े वो दो कहां गए जो अंदर थे चार अंदर थे। आप, आप दो ये बड़ी थे, आप दे दो रहे में थे, इस समय ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं दीर्घा में अंदर सिर्फ दो नहीं थे अंदर चार थे दो तो कूद गए और दो पीछे से दर्शक दीर्घा से विस्टर गैलरी से सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट कर रहे थे जैसे राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि स्थगित की जाती है दो बजे तक वो बाकी दर्शकों के साथ निकल गए वो दोनों लोग और वो कहां कांगे काने गए तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा सचिवालय बता पाएगा हम थोड़ी बता पाएंगे इस चीज को लेकिन ये देखिए गणतांत्रिक दिलाने वाली है, है।, है। लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान की मामूली घटना थी धुआं ऐसे ही था अगर वो जहरीला धुआं होता वो चाकू छुरा लेके आ जाता लोगों को मार देता रक्षा मंत्री पर अटैक कर जाता कोई सांसद मारे जाते अंधे हो जाते ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें बड़े स्तर के लोगों को निलंबित करना चाहिए करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट बना दी नहीं है आपने और ये पार्लियामेंट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है अब कई एम तो ये कह रहे थे कि साहब हम तो आएंगे ही नहीं अब बताओ मतलब इस, इसके अंदर ही जब सुरक्षित फील नहीं इससे तो पहले ही जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो ज्यादा सुरक्षित थी वहां वहां ऊंचाई भी थी जिस तरह गैलरी थी तो उससे कोई व्यक्ति कूद नहीं सकता था या तो आराम से कूद के आ जाओ लटक के आ जाओ आराम से छह फीट साढ़े छह फीट की दूरी है तो कितना बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया और हम उनकी जांच की मांग करें दो आदमी और थे ना वो कहाँ गए भाई एक लेडी और एक आदमी उनको तो इन्होंने छुपा दिया बिल्कुल ही कहा ले गए उनको और ये एमपी बीजेपी का था ये सांसद बीजेपी का था जिसकी रिकमेंडेशन में आए थे आखिर कैसे रिकमेंड किया उस व्यक्ति ने आज का इनपुट था पास के पास ऐसी घटना तो, प्रमुक तो प्रमुक क्या नेगर जी बेनीवाल जी मैं आप आप कई प्रमुख बिंदुओं को उठा रहे हैं मेरे साथ शुभरास्त्रा भी हैं जानी मानी लेखिका का मैं उनके पास भी आऊंगा प्रियंका कक्कड़ भी हैं लेकिन मैं आपके पास नागर साहब मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनके पास जाना चाहता हूँ मलूक नागर आप भी थे आपने सबसे पहले तो आपने पकड़ा कैसे उसको दबोचा कैसे ये कहानी बताइए और उसके बाद आपने क्या करा जी मलूक मिनट रह रहे थे जीरो आवर का बंद होने में और बेनीवाल साहब ने भी और मैंने भी अपना रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि हमें भी जीरो आवर में बोलना है क्षेत्र का मुद्दा उठाना है तो हर मिनट हम इंतजार में थे कि, कि किसी भी मिनट हमारा नंबर आ जाएगा तो जैसे ही बैठे थे बेनीवाल साहब एक बेंच आगे बैठे थे मैं एक पीछे बैठा था तो धड़ोब देशी जब आवाज आई तो मुझे ये लगा कि कोई गिरा या तो किसी ने गिरा दिया या किसी ने धक्का दे दिया या पैर रपट गया तो पीछे देख रहे थे तो इतने दूसरा कूदा तो जब वो दूसरा कूदा तो वो जब तक संभल नहीं पाया पहले वाला उठ करके जहां से चलते हैं जिधर से निकलते हैं हम सारे सांसद वहां से ना आके वो सीधा जहां एमपी बैठते हैं उस पर आया और पहली लाइन कूदा दूसरी कूदा तीसरी कूदा तो ज्यादातर एमपी बाहर की तरफ भाग लिए बैनीवाल साहब आगे बैठे थे ये पीछे को भागे उसे पकड़ने के लिए मैं थोड़ा पीछे था मैं साइड से भागा सबसे पहले हम दोनों थे इन्होंने गर्दन से पकड़ा मैंने उसके बिल्कुल यहां से पे, पेट के नीचे से पकड़ा और चार पांच एम और आ गए और फिर वो बेसिकली क्या था बेसिकली क्या था देवगन साहब वो दिमाग में एक डर था कि सुबह हम जिन शहीदों को जिन्होंने शहादत दी फूल चढ़ा के आए हैं और तेरह तारीख है आज और आज तेरह तारीख में वो वो अगर अंदर आ गए हैं तो आज बचने के नहीं है तो दिमाग में डर ये था कि इन पे अगर वेपन हुए तो गोली ना चला दें तो किसी भी तरह भाग करके इनको पकड़ते हैं जी उस एंगल में पकड़े और वो बाई चांस ऊपर वाले कृपा सबसे पहले और हनुमान वो दो सांसद जिन्होंने आज इन दोनों आरोपियों को दबोचा और हनुमान बेनीवाल साहब आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है आज तो वाकई आप संकटमोचक बन गए और संकट को आपने दबोच लिया वहां पर लेकिन लेकिन देखिए मैं आपने वहां पर इनकी पिटाई करी और मैं मलूक नागर जी को तो देख रहा हूं उन्होंने तो खूब लगाए अच्छे से दस पंद्रह जितने लगा सकते थे अरे देवगण साहब ये कह दो जाट गुर्जरों ने अपना काम करा अपना असर दिखाया नहीं हम तो कहते हैं ना जाट ना गुजर हिंदुस्तानियों ने अपना दमखम दिखाया दोनों आप हिंदुस्तानी हैं और इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऐसी ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है हालांकि ऐसी तस्वीरें कम देखने, देखने को मिलती देखिए देवगंज साहब बीच में आपकी बोलिए देवगंज बीच में बात आपकी बोली बोलिए अक्सर मैं कहता हूं जब 370 को हटने की बात आती है और जब मैं सरकार की तारीफ भी करता हूं क्योंकि वहां 370 के बाद बढ़िया माहौल हुआ है तो मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बक्कलवार रहते हैं तो जो काम और वो दुश्मनों से लड़ते हैं पाकिस्तानियों से लड़ते हैं उग्रवादियों से लड़ते हैं तो आज बैनीवाल साहब बैठे हैं हमारे बहुत प्यारे भाई हैं उम्र में छोटे नेता बड़ा है हमसे ये तो आज हमने वही काम संसद में करने का मौका मिल गया और देश के लिए यह सिक्योरिटी के रूप में ही सही अगर हम काम आए तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं अब ऐसे बोलने की स्थिति हो रही है जब तो दिमाग में इतना डर था कि आज बचेंगे नहीं पिछली बार तो संसद के बाहर रोक लिया था आज तो अंदर आ गए और इनपे हथियार पथियार है और जब उसने जूता निकाला एक एक तो फेंकने वाला पर जूता में से उसने बम होगा बिल्कुल एक सामान्य तौर तो पर आदमी में ये किसी भी व्यक्ति में होगा जब वो कुछ निकाल रहा है कलर स्मोक ही निकाल रहा है उस समय तो लगेगा पता नहीं क्या है इसके अंदर कौन सा हथियार है कौन सा बम है बिल्कुल आपकी बात ये सही है बेरीवाल साहब एक चीज है आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है ये ये बात आप अपनी बात को रख रहे हैं लेकिन क्या आपको लगता है चूक चूक जो हुई वो सामान्य नहीं थी क्या आपको लगता है जूते के अंदर इतना बड़ा इतना बड़ा कलर स्मोक आ सकता है उसको लाया जा सकता है और बिना चेकिंग के आ गया वो कायदे से जूते चेक होने जूते खुला के चेक करते हैं नहीं किया ये ब्लंडर मिस्टेक है और अध्यक्ष जी का एक बयान में पढ़ रहा था लोकसभा अध्यक्ष जी हमारे राजस्थान से आते हैं साहब मुझे देना इस बारे में तो बड़े भाई जैसे लेकिन दुर्भाग्य से वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ घटना कुछ भी नहीं हुई बोल रहे अध्यक्ष जी कह रहे हैं घटना हुई नहीं मामूली घटना है ये तो एक तरीके से ये उनका बयान हमें ठीक नहीं लग रहा जच नहीं रहा है बहुत बड़ी घटना है ये पूरा देश स्तब्ध है पूरे सांसद मिनिस्टर सब स्तब्ध है महिलाएं स्तब्ध है कि हम कहां सुरक्षित है जब अंदर ही सुरक्षित है तो बाहर कैसे तो देश का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा चाहे जिसको मार दो ही इसके अंदर ये बहुत बड़ा गृह मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए बड़ा स्टैंड लेना चाहिए मैं ये कह रहा हूं जिस तरह विजिटर पास बनते हैं कई आदमी तो दो ही पास नहीं बना पाता कई सो सौ पास बनवा रहे थे अपने

अच्छा आप बताइए पास बनाने की क्या सरे? प्रक्रिया है आप अपने लोगों का पास कैसे बनवाते हैं देवगंज साहब दो दो पास बनाए दो के उबलाइज करे तो लोकसभा सचिवालय तीन बना दे लेकिन पचास पचास सौ पास बना दोगे और वो आदमी घूमते रहेंगे उनका समय पूरा हो जाता है फिर भी बैठे रहते हैं जैसे दो घंटे का पास बना वो चार घंटे तक वही आदमी बैठा रहा ये तो गलत बात है ना बिल्कुल जी इस समय मेरे साथ दो ऐसे सांसद हैं अमेशी, जो जिन्होंने दबोचा अमेशी, और मैं बताऊं ट्विटर पर यूट्यूब पे आपका सम्मान लोग करना चाह रहे हैं मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब का मलूक नागर का हम सम्मान करना चाहते हैं आज जहां तक बात है ये अगर प्रमोद तिवारी से पूछे तरह कौन सा कांग्रेसी सांसद था जिसने जाके पकड़ा उन्हें राहुल गांधी जी भी अंदर बैठे थे जो सुनने में आ रहा है बाकी सारे कांग्रेसी सांसद भी तो थे राहुल जी कांग्रेस का सांसद निकल कर का कांग्रेस की नेत्री ने तो ट्वीट करा कि राहुल 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 जी राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर एक आ, आ, उनकी उनकी नेत्री ने ट्वीट करा ने, जो मैं देख पा रहा हूं नहीं राहुल जी सुनो 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 राहुल जी अंदर थे अगर अंदर थे तो कोई भी कांग्रेसी राहुल जी को छोड़ो बड़े नेता कोई भी कांग्रेसी क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल के साथ या हनुमान बेनी वाले नागर सबसे पहले क्यों पहुंचे फिर तो बाद में गए देश की जिससे बदनामी हो वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां तक बात है सिक्योरिटी की सिक्योरिटी की फेलियरिटी है जहां तक बात है एमपी की बीजेपी का था उसकी भी गलती है जब आईडी चेक करी तो क्या वो जानते थे उन्होंने अंदर भेजा जब पहले गेट पे गए गे, जहां वो अंदर जूते में छिपा के लगे क्यों नहीं चेक करा जहां अंदर मेन बिल्डिंग में बड़े क्यों नहीं चेक करा जहां तीसरा गैलरी में जाके बैठे जब वो कूदरा था वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था जहां वो अंदर कूदे वहां कोई हमें सीधा गोली मार दे वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था नहीं आपकी बात है आप और तिवारी का गैर जिम्मेदार हनुमानी बातें कह रहे हैं और दोनों लोगों की तारीफ जो है वो ट्विटर पर और यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरी टीम मुझे बता रही है कि लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं आपने मैं राहुल गांधी के बारे में आपसे पूछूंगा लेकिन बेनीवाल साहब क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स टू द कोर जिसे कहते हैं राजनीति अपना रंग दिखाती है और दिखा रही है क्या आपको लगता है कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है नहीं अमित जी इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है सही बात है लेकिन जिस तरह अध्यक्ष जी का बयान देखा मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी का वो हमारे राजस्थान से आते हैं ओम अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई घटना हुई नहीं ये भी तो नहीं होना चाहिए ना घटना तो बहुत बड़ी हुई है अध्यक्ष जी कहना चाहिए बहुत गंभीर घटना है बड़ी घटना है ये कहना चाहिए उनको क्यों नहीं कह रहे हैं लोकसभा सचिवालय एक बात और कहनी है एक जगह सेकेंड ये देखो हमारे मन की पीड़ा है हम उनका बहुत सम्मान करते हैं मेरे बड़े भाई अध्यक्ष जी जी बेवाल जी बोलिया और राहुल गांधी अंदर थे राहुल गांधी अंदर थे अमित जी राहुल गांधी अंदर थे जी। मैंने उनको देखा था खड़े हुए थे वो अपनी सीट पे अपनी चेयर पे खड़े हुए थे वो कोई मूवमेंट नहीं था उनका खड़े हुए थे वो अपनी जगह जी मलूक आप आपको की बात हो रही थी और आपने बोला कि क्या ट्वीट हुआ तो एग्जैक्टली मैं कहता हूं डरो मत कहते हैं नहीं है हम करके भी दिखाते हैं जब सदन सद, पार्लियामेंट में संसद में अफरा तफरी फैली थी जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे ये कांग्रेस की नेत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया है सुप्रिया जी ने और वो ट्वीट सबके सामने है। देखिए देखिए, देखिए अमित जी, राहुल गांधी जी थे वहां कोई ऑप्शन नहीं था खड़े रहने के अलावा मैं उनको नहीं कहता वो संसद में थे अच्छी बात है दिख रहा देश को कि राहुल गांधी जी भी मौजूद थे पर प्रश्न ये है कौन सा कांग्रेसी वहां आया आगे निकल करके एक तो ये दूसरा इस पे जो स्मार्ट जो, जो तो पता आप दर... पार्टी के कौन कौन उधर नहीं सबसे नहीं सबसे पहले कोई नहीं था सबसे पहले बेनीवाल साहब भागे आगे से और फिर मैं भागा इधर से ये सब बाद में इकट्ठे हुए सारे लोग ये अच्छा एक बात एक बात मुझे कहनी है वो पता भाग किधर को रहा था सही सुनो भाग किधर को रहा था और क्यों भाग रहा था जी। वो ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर जहाँ बैठ रहे हैं, उधर को भाग रहा था दिख रहा है वो दिख रहा है वो वो इस काम को अगर हम ना पकड़ते अगर हम ना पकड़ते तो इस, इस कलर बॉम्ब को इस गैस बॉम्ब को वहां जाके छोड़ता वो तो घटना तो हुई है घटना घटना तो, तो, तो हुई है और और बड़ी घटना है सामान्य घटना नहीं है बेनी बेनीवाल जी आप मुस्कुरा रहे थे आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं सबसे पहले आप आपने पकड़ा फिर मलूक नागर वहां पहुंचे ओ, मलूक जी हम तो साथ ही रहते ना अक्सर सुनो मेरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी जी हमसे कम करीब चालीस पचास मीटर दूर थे जी वो चाहते तो वो भी आ सकते थे पास में आना चाहिए था उनको क्यों नहीं आए भारतना पार्लियामेंट में अटैक था और, और बाकी सब भी ऐसा नहीं कि सारे सांसद हिम्मत दिखा रहे थे लेकिन चूंकि पहल हम लोगों ने करी उसको पकड़ लिया नहीं तो आगे जाता और उसके उसका बड़ा कोई टारगेट होगा लेकिन उसके चेहरे पे जब उसको सिक्योरिटी गार्ड बाद में लेके गए बाद में बाहर हमने देखा उसको कोई शिकन नहीं थी ये बहुत बड़ा गिरोह है और बहुत मोटिवेटेड व्यक्ति था वो बहुत मोटिवेटेड लोग हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जांच होनी चाहिए जो दो लोग इसको मोटिवेट करे थे गैलरी के अंदर से वो लेडी और दूसरा आदमी वो कौन थे वो अभी तक उसका बयान क्यों नहीं आ रहा और इसी के साथ है बुलेटिन में इतना ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लौटेंगे के चलते